सो सॉरी सीमा जी, आपको इतना वेट करना पड़ा। एक्चुअली आई वाज अ लिटिल बिजी। प्लीज बैठिए, बताइए। देखिए सिकंदर साहब, हम मानते हैं कि गलती तो हमारी ही है, बहुत मामूली से लोग हैं हम लोग। एक मिनट, अभी तक ये 30 लाख का इंतजाम हुआ है, थोड़ा सा और वक्त मिल जाए तो इसमें कुछ सेवर भी है, अगर आप चाहें तो रख लें, बस थोड़ी सी मोहलत और दे दीजिए। I'm really sorry सीमा जी, पर पॉसिबल नहीं है, पहले ही बहुत वक्त दे चुका हूँ आप लोगों को, मजीद नहीं दे पाऊंगा। सिकंदर साहब देखिए, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, आप मेरी मजबूरी समझिए। अब तो वो घर भी हमारा नहीं रहा, आरिफ ने गिरवी रख दी है आपका कर्जा चुकाने के लिए। जी मैं जानता हूँ, दरअसल अजीब इत्तेफाक है, ये आपके घर के ही पेपर है, और अब तो आपका घर भी आपका नहीं रहा, मेरा हो गया। पता है सीमा जी, जब ये एक्साइटिंग खबर मुझे मिली तो सोचा आपके घर आके आपसे बात करूं, पर फिर सोचा आपको यहां बुलाना बेहतर है। देखिए आपके घर की लोकेशन बहुत ही फैंटास्टिक जगह पे है, मेरी टीम को लगा कि अगर उस घर को गिरा के वहां पे एक होटल बनाया जाए तो काफी फायदा हो सकता है, इसलिए आपसे कहना था कि जितना जल्दी हो सके आप लोग वो घर खाली कर दें। क्या कह रहे हैं आप, कहां जाएंगे हम लोग? क्या कह सकते हैं, चलिए एक काम करते हैं, आप रखिए अपना घर, मुझे नहीं चाहिए, बल्कि जितने भी पैसे आप लोगों ने मेरे देने हैं वो भी नहीं चाहिए। इनफैक्ट अगर आप चाहें तो आपकी मुश्किलात को हल करने के लिए कुछ और पैसे दे सकता हूं आपको। ऐसा क्यों करेंगे आप? आपकी बेटी अरीच, उसकी शादी कर दीजिए मुझसे, मैं भूल जाऊंगा कि आप लोगों ने कभी मेरा कोई नुकसान किया था।